क्वेश्चन के मैंने चार पार्ट बताए थे आपको। नंबर वन इज मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं, इसके हमने कर लिया। फिर हमने बोला कि ये डिस्काउंट कराते हैं, और तीसरा हमारा पढ़ा था हमने एंडोर्स पढ़ेंगे जो, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट और एंडोर्स तीनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या एंट्री होती है डिस्काउंट के केस में वो बताई जा रही है। हेडिंग डालो डिस्काउंट केस। डिस्काउंट केस में दो हिस्सों में डिवाइड रहता है, ड्रॉअर ड्रॉई का हिस्सा डिवाइड करते हैं। ड्रॉअर, ड्रॉअर का मतलब सेलर, और ड्रॉई कस्ट से मरने वाला कस्टमर। ठीक है, आप कुछ सबसे पहले तो जनरल एंट्री जो होगी वो सेम रहेगी। आपने कुछ चीज सेल किया तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये बंदा अपनी बुक में करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, आर वी डन विद दिस थिंग? ठीक है, सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री। अब ये ड्रॉअर को बिल दे देगा, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू, तो यानी शुरुआत की दोनों एंट्रियां पहले की तरह ही जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे करे थे नहीं करे थे तुम लोगों ने? ऐप में डला हुआ है, ऐप में, ऐप ऐप को डेली यूज करना पड़ेगा आपको। डेली ऐप को खोलो, ऐप पे ही क्वेश्चन दूंगा ताकि पता रहे कि होमवर्क कौन से दिन का कौन सा है। व्हाट्सएप पे का जो मैसेजेस आते हैं ना, तो 10-12 मैसेजेस आते हैं, पता चलता किसका कौन सा क्वेश्चन था ये, जब रिप्लाई भेजते हो मेरे को। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे, अब चेक करते बेटा, आप चेक करो पूरी स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, मैंने वो बोला हुआ कि ऐप पे क्वेश्चन डाले हुए, शायद देख लिया तो 11 में होगा, 12 में होगा, चेक करके देखिए क्या बोला था। Has been updated. चलो चेक कर लेंगे, आज दोबारा भेज देंगे, कुछ नहीं हुआ था। चेक करो बेटा, चेक करो बेटा, दिस इज यू एज अ ड्रॉअर, दिस इज समवन एल्स एज अ ड्रॉई। ठीक है, समझ में आ रही है वाली बात, ड्रॉअर और ड्रॉई। अब क्या होता है कि आपने इसको सीमेंट बेची यानी सामान सेल किया, इसने आपको क्या दे दिया, बिल रिसीवेबल। बहुत ही बढ़िया, दोबारा से समझते हैं। आपने बोलना मत, ठीक है, आप ड्रॉअर हो, ड्रॉई अलग है, ड्रॉअर इज अ सेलर एंड ड्रॉई इज अ कस्टमर। आपने कस्टमर को सीमेंट दी, उसने पैसे की जगह पे आपको क्या दे दिया, बिल रिसीवेबल। तो ये दोनों एंट्रियां हो गई शुरुआत वाली, ये वाली एंट्रियां और ये वाली एंट्रियां, ये वाली एंट्री ड्रॉई के रूप में, ये ले। अब बिल किसके पास है, मेरे पास है या फिर ड्रॉई के पास है? ड्रॉ। अब सपोज करो बिल मिला था मुझे 3 महीने के लिए, कि 3 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। क्या करा था, 3 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब 3 महीने से पहले ही मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करूं, मैंने नॉक किया ड्रॉई से कि ड्रॉई मैंने जो आपको सीमेंट बेची थी
उसका पैसा आप मुझे दे दो, तो ड्रॉ ही मना कर देगा, नहीं मैं नहीं दूंगा पैसा, क्योंकि तो मैंने तो प्रॉमिस किया है कि आपको 3 महीने बाद दूंगा, 3 महीने से पहले आ गए, 3 महीने से पहले नहीं लूंगा मैं, 3 महीने से पहले नहीं दूंगा मैं। तो अब भाई ड्रॉअर को पैसे की जरूरत, अब वो क्या करे, तो अब वो जाएगा बैंक के पास कि बैंक ये मेरा 30,000 का बिल है, आप रख लो और मुझे पैसे दे दो। तो बैंक कहे इसमें मेरा क्या फायदा, 30,000 का बिल रख लो तो देखो पैसे दे दो, कि आप मुझे 30,000 की जगह पे 28,800 रुपए दे दो, सॉरी 28,000 दे दो, कितने रुपए दे दो, कितने रुपए देंगे, तो बैंक को कितने का फायदा हो गया। हाँ, और अब क्या होगा, ये बिल तो मैंने बैंक को दे दिया, बैंक ने मुझे कितने रुपए दे दिए, 28,000। अब 3 महीने बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो ड्रॉई आएगा मेरे पास, कि ड्रॉई कहेगा लो भैया तुमने 3 महीने बाद के जो मैंने पैसे दिए थे 30,000 रुपए, लो 30,000 रुपए मुझे बिल दे दो। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरे पास मत आ, मैं जब मांगने गया था पैसे तब तो तूने मुझे मना कर दिया, मैंने ये बिल किसको दे दिया है, बैंक को, तो ये पैसे किसको दे, बैंक, ये किसके पास जाएगा सीधे, बैंक, बैंक को पैसा दे देगा, अपना बिल रख लेगा, बैंक को कितने रुपए देगा, 30,000 रुपए, बैंक को कितने रुपए मिले, 30,000 रुपीज मिले, और बैंक ने दिए कितने, तो बैंक को कितने का फायदा हुआ, 2,000 रुपए। जिसको स्टोरी समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा से स्टोरी समझाता हूँ। पर पैसे की जरूरत पड़ी है तो बड़े लॉस से बचने के लिए तो सही है ना, बड़े लॉस से बचने के लिए तो सही है ना। अच्छा, ये मतलब अभी दोबारा से समझा रहा है, मतलब दोबारा से बचा, दोबारा से देखो, सपोज करो ड्रॉअर को 30,000 रुपए की जरूरत है। अजय 30,000 रुपए की जरूरत है, तो किसी ने बोला कि मैं 30,000 रुपए तो तेरे को दे दूंगा, पर कितने परसेंट की ब्याज पे दूंगा, 10% की ब्याज पे, कितने परसेंट की ब्याज पे, 10%। तो यानी उसको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे मुझे, 33,000। ये भी नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ, तो कितने रुपए ज्यादा लौटाने पड़ रहे हैं ड्रॉअर को, कभी ड्रॉअर के पे कमी पड़ गई पैसे की। तो अभी ये वाली सिचुएशन मैंने क्यों बताई, हर्षित का क्वेश्चन था इसीलिए। अब आगे ये सिचुएशन आती है, क्या होता है कि ड्रॉअर यहाँ पे, बैंक यहाँ पे, ड्रॉई यहाँ पे है, ड्रॉअर ने ड्रॉई को 100 बोरी बेची 300 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए की। ड्रॉई ने बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिल दे रहा हूं, कितने का, 30,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ, कितने का दे रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूँ 30,000 रुपए का। आप बताओ हामी भरोगे या नामी भरोगे, के चल ठीक है मान गया ड्रॉअर, मान गया, और ड्रॉअर ने साइन कर दिया, और कितने महीने का बिल दिया इसने। अब ड्रॉई ने नहीं बोला था क्या कि आप मान जाओ, आप मान गए अपने बाप से, यानी आप कंफर्म कर रहे हो कि 3 महीने बाद ही पैसे मांगूंगा, उससे पहले पैसे मांगूंगा नहीं। अब ड्रॉअर को 1 महीना पास हो गया, 1 मंथ पास हो गया, पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अब 2 मंथ पास हो गया, पैसे की जरूरत पड़ी, कितने रुपए की जरूरत पड़ी, 30,000 रुपए। अब ड्रॉअर ड्रॉई के पास मांगने गया, 30,000 रुपए दे दो भाई अपना बिल ले लो। ड्रॉई कहेगा नहीं नहीं आपने भी बोला था, क्या कहते 3 महीने बाद पैसे लोगे, आपने हामी भरी थी, अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा। तो ड्रॉ कहेगा सही बात तो सही कह रहा है यार, कानूनी बात कर रहा, मैंने सिग्नेचर करके दिए थे, मेरा ही पैसा मैं खुद नहीं मांग पा रहा हूँ। क्यों नहीं मांग पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइन करके दिया था कि मैं 3 महीने बाद पैसे मांगूंगा। अब ड्रॉअर गया बाजार में, बाजार में उसने बोला कि भाई 30,000 रुपए मुझे कोई दे दो, तो किसी इंसान ने बोला कि मैं 30,000 रुपए तो दे दूंगा, पर कितने परसेंट की ब्याज पे दूंगा, तो कितने रुपए ज्यादा देने पड़ जाएंगे मुझे, 3,000 रुपए। अब ड्रॉअर सोच रहा है करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। फिर वो जाता है सीधे बैंक के पास, किसी ने बोला कि ये जो आपका बिल है ना, आप बैंक पे भी ले सकते हो। कितने, किसको ले जा सकते हो, बैंक के यहाँ पे बैठी है। बैंक ने बोला ओके ड्रॉअर भाई, हम आपका 30,000 रुपए का बिल तो ले लेंगे, पर हम आपको फायदा, हमें क्या फायदा होगा कि आप मुझे कुछ पैसे कम दे दो। तो बैंक कहेगी चलो हम तुम्हें कम पैसे दे देते हैं, हम आपको कितने रुपए दे रहे हैं, 29,000 रुपए दे दे रहे हैं, कितने हजार रुपए दे रहे हैं। तो ड्रॉअर का कितने का लॉस हुआ, 1,000 का। अगर बाजार से पैसा उठाता तो कितने का लॉस होता, बाजार से अगर पैसा उठाता तो कितने का लॉस होता,
तो कौन सा लॉस बढ़िया है, 1,000 वाला लॉस या 3,000 तीन वाला? हजार 1,000 वाला लॉस बढ़िया ना, ठीक है। 1,000 वाला ये मेरे पास तो 29,000 रुपए आ गए। अब बैंक इंतजार करेगी अगले महीने का कि भाई ड्रॉ ड्रॉई आएगा, पैसे देगा। और ड्रॉई 3 महीने बाद आता है ड्रॉअर के पास कि ड्रॉअर ड्रॉअर ये लो 30,000 रुपए, मुझे मेरा बिल दे दो। तो ड्रॉअर क्या बोलेगा, तूने मेरी मदद करी नहीं, तो मैंने किसकी किससे मदद ली थी, बैंक से। अब मैं तुझे बिल नहीं दूंगा। बिल कौन देगा तेरे को? बैंक देगा, क्योंकि बिल जो बिल था वो किसके पास रखा हुआ है? बैंक के पास। तो ड्रॉई बैंक के पास जाएगा, बैंक ड्रॉई किसके पास जाएगा? बैंक के पास। बैंक भाई ड्रॉअर ने आपको कोई बिल दिया था कि हाँ दिया था भाई, वो वाला बिल वापस करो, तो बैंक क्या करेगी, पहले 30,000 रुपए दो। ड्रॉई 30,000 रुपए देगा, ड्रॉई ने बैंक को 30,000 रुपए दिए, और ड्रॉई को क्या मिल गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी वो डिसऑनर केस है, वो अभी नहीं पड़ रहा, 30,000 रुपए। तो इस पूरी प्रक्रिया में बैंक को कितने का फायदा हो गया और आपको क्या फायदा हो गया, कि आपको जब इमरजेंसी फंड की जरूरत थी तो आपको फंड मिल गया, चाहे भले 1,000 रुपए कम मिला, पर मिल तो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट। तो इस केस में अब आपको पैसे की जरूरत थी, आप किसके पास जाओगे, बैंक के पास। तो बैंक आपको पैसे दे देगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई के अकाउंट में एक भी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि ड्रॉई को क्या मतलब, आपने बैंक को कुछ भी करा, मैंने थोड़ी दिया, आपने दिया तो आप अपनी बुक पे करो, मैंने तो कुछ नहीं करा ना। समझ में आ गया? चौथी एंट्री। पूरा 3 महीने गुजर जाएंगे, 3 महीने गुजरने के बाद ड्रॉई पेमेंट करने जाएगा ड्रॉअर को। जैसे ड्रॉई पेमेंट करने जाएगा ड्रॉअर को, ड्रॉअर मना कर देगा, मुझे पेमेंट मत कर, कब पेमेंट किसको कर, बैंक को। तो ड्रॉई कहेगा यार बैंक को पेमेंट कर देता हूँ, चलो। तो इसकी जनरल एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी मेच्योरिटी की, जो पहले वाली थी, जो पहले करी थी मेच्योरिटी की डेट पे, वही एंट्री रहेगी। एंट्री क्या रहेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ टू कैश अकाउंट। इसके में फोर्थ एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पैसा मेरे पास थोड़ी है, पैसा किसके पास है, बैंक के पास। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी, चारों एंट्री, तो आप ये एंट्री उतार लो। अब बैंक की बुक बना नहीं रहे, तो इसके लिए बैंक का जनरल एंट्री कुछ करोगे नहीं, आप किसकी बुक्स बना रहे हो, केवल ड्रॉअर और ड्रॉई। समझ में आई सारी बात है? समझ में आई? कोई चिंता नहीं, डरी डरी सी क्यों बोलो, कुछ आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ये ऑनलाइन मंगाई होगी टी शर्ट, ऐसी टी शर्ट है, ऑनलाइन ही आती है बेवकूफ से। एक आया था पानी पूरी पहले, एक है साइट पानी पूरी, एक आई थी क्रेजी मंकी, नहीं साइट्स थी पहले, ऐप तो अभी आना चालू हुई है, फिर बंद हो गई। एक फंकी चाट चाट वाला करके भी दिए, हाँ बेवकूफ, और ये बहुत सारी चीजें। समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन चौथे में, तीसरे में। हाँ तो हमने तो बिल उसको बैंक से लिया है ना, बिल बैंक को दिया है, तो ना, हमारे लिए तो वो बिल रिसीवेबल ही कहलाएगा, केवल बैंक पेबल, बिल पेबल किसके लिए कहलाया जाएगा, वो भी कल भी यही बात समझाई थी मैंने, कहा केवल बिल पेबल किसके लिए कहलाया जाएगा, ड्रॉई के लिए, क्योंकि इन दी एंड पे किसको करना है पेमेंट, ड्रॉई को करना है इन दी एंड, इसीलिए उसको बिल्स पेबल बोल। अब इसमें रिसीवेबल लिखेगा, और सेलर किसी और को भी दे देगा ना, तो वो भी बिल रिसीवेबल लिखेगा, ये हमेशा पेबल लिखेगा, बिल हम पे है, आ रहा है तो डेबिट है, और हमसे जा रहा है तो क्रेडिट है। तो देखो बिल आया मेरे पास तो डेबिट किया था मैंने, और बिल मेरे पास से किया तो मैंने क्रेडिट।
क्वेश्चन दो क्वेश्चन लिखो Hey. हाँ बहुत बढ़िया मेरे को भी पता करो थोड़ा सा पहले अपने आप करने की कोशिश करो फिर मैं समझ में आ रहा है ना बोले भैया आप एक ही सवाल ही बताओ पेपर में देखिए उसको कट कैसे किया अरे सुनो ये लिख लेना क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन करने जाओ तो 1 2 3 तो लिखना और यहाँ पे 1 2 3 लिखना 4 मत लिख देना कि क्रॉस करके तरीके एंट्री कर रहे हो क्रॉस जैसे मैंने कर दिया ऐसे क्रॉस तो तुम्हारे समझाने के लिए है वो कि लिखना चालू कर दो कि क्रॉस कर रहे हो क्रॉस बैंक के अकाउंट्स नहीं बना रहा तो या इस सामने आमने सामने बताऊंगी नहीं 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 आगे पीछे देख मैं ये सोच ही रहा था लिटरली सोच रहा था कि नंदा जरूर बोलेगा तो मैंने उसको जानबूझ के थोड़ी सी गलती करी मैंने यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉई लिखा मैंने कहा देखूंगा कि वो अपना दिमाग चलाएगा नहीं चलाएगा जब यहाँ पे ड्रॉई समझ में आ गया तो पक्की बात है ड्रॉ हो रही है अब तो इसको ये नहीं पढ़ सकता कि तू ड्रॉई ड्रॉई बोल रहा हूँ नहीं कोई बात नहीं अब तू ये समझ ये ड्रॉई ड्रॉई लग रहा है तेरे को तो तू एक समझ ले नीचे वाला ड्रॉई तो दूसरा वाला क्वेश्चन लिख लिया मैं थोड़ी देर कुछ चीज चेक करके देखूंगा मैं थोड़ा सा
टेक्निकली कुछ करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन कंप्यूटर अरे काम करो व्हाट्सएप करो नाम आया और क्लियर सोच रहा था कहता है 38 की जगह 50% ही वाली डेटा कोई वो नहीं है ना बिल्कुल अप्रैल मई जून जुलाई की कर लोगे या फिर कराओ उसको
इसके बाद एक और चीज सिखाऊंगा, अब जैसे मैंने डिस्काउंट दे दिया है ना 100 रुपए का, अब ऐसे डिस्काउंट नहीं दूंगा, इसमें परसेंटेज में दूंगा। पता नहीं भैंस के लोगों ने मेरा दिमाग खा लिया पता नहीं नीचे से आएंगे पतले लोग कोई और कहीं से और फिर भी करे कॉलेज से अपने एडिटी पे छापे लगते हैं तो क्या हुआ कि जिनका भी वो कॉलेज वाले में टीचर है उन्होंने कहा कि वो नीचे से जो फ्रेंड मेरा मेरे होते वहां पे कम कर वो जो है कि अगर तुमने पढ़ाई वढ़ाई कर ली जॉब नहीं रहेगी तो फ्यूचर आगे ब्राइट कैसे करे इसमें आया हूँ जो भी कर रहे होंगे मेरा अपन कान उन्होंने नंबर दिया कितना साफ तो मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा चेक करो नेट ज्यादा पी रहा हो तो टैब में तो वो आता है बिल्कुल रियलिस्टिक पड़ता है जब मैं लिखता हूँ। चलो लिखे इसको तो यार तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया क्या लक्ष्य तुम भी यार देखो अरुण ड्रॉ ये मेरा जानवी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ड्रॉअर और ड्रॉई चेक करते हैं। सबसे पहले अरुण ने क्या किया फर्स्ट अप्रैल कौन सी है 2000 कुछ है 2020 को इसने सेल किया जानवी को तो जानवी अकाउंट डेबिट कितने रुपए का 30,000 को 30K भी बोलते हैं अगर नहीं पता तो 00 लगा देना 3K का मतलब 30 होता है क्योंकि स्पेस का मैं इसीलिए लिख दिया मैंने इसको परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण 30K तारीख कौन सी पड़ेगी गोपेश समझ में आया दूसरी चीज फिर 1 अप्रैल को ही इन लोगों ने बिल बना दिया तो बिल्स ड्रॉई का नाम आएगा ड्रॉई कौन है अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट इसने बिल एक्सेप्ट किया होगा किसी को बस में किस कितनी बात में दिक्कत सबका इतना तक ठीक है या गलत है जूम के बच्चों इतना हो गया तुम लोगों का भैया पूरा हो गया चलो बहुत बढ़िया अब 1 मई हुआ है तो 1 महीने ड्रॉअर ने बिल डिस्काउंट किया इसे उसको कुछ उसको मतलब नहीं है इससे ड्रॉई को कोई मतलब तो ड्रॉअर ने बैंक में गया बैंक ने उसको पैसे दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अब मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ, बिल बिल की वैल्यू कितने की थी? 30,000. तो बिल की वैल्यू ये डेबिट है और ये क्रेडिट है. ऐसी तो बनती है. मैं थोड़ा तरीके से करके दिखा रहा हूँ इस चीज को. देखो शायद बिल 30,000 रुपए का था तो 30,000 रुपए क्रेडिट में लिखते, क्योंकि बीआर किस में लिखा हुआ? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ. डिस्काउंट डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट दिया कितने का है मैंने? 30,000 में से 100 रुपए गए तो कितने बचे? 2,990. ये होगी एंट्री इसकी. तो कुछ ऐसी दिख रही होगी आपकी कॉपी में, कुछ ऐसे दिख रही हो. नहीं आई समझ में तो दोबारा समझा देता हूँ. चेक करते कैसे समझाते हैं. मैंने पूछा बिल ये बताओ इसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, डेबिट में या क्रेडिट में? इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, डेबिट में या क्रेडिट में? इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? इतनी तो पता हुई. और इतना भी पता है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है. डेबिट को हमारा किसको इक्वल करना होता है? क्रेडिट. चलो ये 100 रुपए डेबिट में जाएंगे. मैंने से लाइन बना दी डेबिट का, ये क्रेडिट का. बिल रिसीवेबल कितने का था? बिल हाँ कितने का? 30,000 मैंने यहाँ लिख दिए. अब आपको अगर डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना हो तो क्या करूंगा मैं? माइनस करूंगा इसको. कितना माइनस करूं? 30,000 में से 100 गए तो कितने बचे? 29,900. ये केवल आपको दिखाने के लिए, इधर कोई भी एंट्री नहीं होगी. फिर क्या आएगा? मैच्योरिटी डेट आएगी. बिल कितने महीने का था? अप्रैल पूरी, मई पूरी, जून पूरी, जुलाई का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथी जुलाई. तो चौथी जुलाई को ये पेमेंट करेगा. 4 जुलाई 2020 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए? और ये पैसे किसको चले गए होंगे? बैंक को. तो इससे इसको कोई मतलब? चेक कर लो आपकी स्क्रीन पे एंट्रीज आ रखे. अरुण वो सॉरी गोपेश सही था तुम्हारा? नहीं था ठीक. हाँ अभी तो दूंगा, अभी तो एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन. सही है एंट्री सबने कर लिए, सबने कर लिए. क्वेश्चन करें. देखो बेटा दादू उसको मैंने पूछा कि बेटा मैंने कोई सामान जानवी को बेचा 30,000 रुपए का, तो वो मुझे कितने रुपए का बिल देगी? पर जानवी ने क्या किया कि भे 30,000 रुपए का सामान तो दे दिया, ले लिया, मुझे 10,000 रुपए कैश में दे दिए, तो कितने का बिल देगी? 20,000. तो ये भी एंट्री याद रखना, ऐसे कैसे होंगे? 20,000. तो जब भी ऐसा कुछ हो कि हाफ पेमेंट बिल्स में जा रहा है, कुछ पेमेंट कैश में जा रहा है, तो जो पहली एंट्री होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. क्या कहते हैं? जानवी यानी किसी का नाम, अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सपोज करो 30,000 रुपए का सामान बेचा मैंने, 10,000 रुपए उसने कैश में दिए, तो बाकी का कितने का बिल, कितने रुपए देने हैं जानवी को? 20,000 रुपए देने. इधर ये एंट्री ऐसे होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, लिख लेना कहीं पे भी, व्हेन हाफ पेमेंट या व्हेन पार्टली पेमेंट इज मेड इन कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू जान को, क्या ना किस अरुण लिखते हैं, अरुण अरुण था ना, टू अरुण अकाउंट डेबिट टू कैश. क्या हुआ जब बता हर्ष क्या बोल रहा है? ये अनुपात कैश अकाउंट डॉलर क्रेडिट
दिया है तो कैश गया है ना, कैश गया है, कैश असेट हो गया, असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा नहीं होगा, सामान आया तो सामान ही आ गया ना। ये ऐसी एंट्री कब होंगी जब पार्टली पेमेंट हो रहा हो, कहीं से हूं की बात ना। और बात कैसे यहाँ से हल्का सा रोटेट करते हुए गई है। हाँ पूछ बेटा, क्या पूछ रहा है कोई पूछ। बेटा कर लिया ये, अब क्वेश्चन लिखो। हाँ ये लिख लो बेटा, पार्टली पेमेंट की एंट्री है, भूल जाओगे फिर बाद में पूछोगे ना क्या हुआ तब मारूंगा। हाँ बच्चा क्या कह रहा है, तो दो दिन बाद एकदम जब मैंने टेक कर लिया पहले तो हाथ ऐसे चला गया। क्यों लग रहा है बिल्कुल, ये जमाई बिल्कुल दीवो आगे आगे नहीं आगे आगे पीछे आगे आगे नहीं आगे 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 तभी तो आता है मैंने पहले चलाई थी। भाई वाला कह रहा भैया बहुत दारी सुनाया सुना है मेट्रो डीजल एंट्रियां कर दो, बैंक की एंट्री चाहे मत करना, बैंक की एंट्री में करके दिखाऊंगा। अच्छा ब्लैक कलर की एक्सेंट थी मेरे पे, मेरे पे तो बहुत है, तेरे पे तो पूरा का पूरा शोरूम है गाड़ी का, और लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा क्योंकि एक गाड़ी कितने की आती है 15 लाख रुपए की, 15 से 20 तक की, महीने में 5 गाड़ी नहीं बिकती होंगी उसकी। हाँ और एक ट्रक एक एक दिन का क्या कहते हैं 50 से 60 हजार रुपए बचा के देता अगर चलने वाला हो तो, 30-40 लाख रुपए कमाता है। तेरे फैक्ट्री कैसे थी कैसी थी, पैसा ही पैसा है इस पर, बहुत संभाले पैसा मिलेगा ना इस पर, आज तो चाय तो ही पिला रहा लाया तू कैसे।
अरे एक जुलाई को ही डेट टेस्ट भी तो लग दिया आगे उसी दिन बैंक पे ले आके उसने डिस्काउंट करा लिया एक ही एंट्री उतनी है अरे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है बस ये थोड़ा सा दिक्कत देगा ये मैं बस सिखा दूंगा निकालना बस अब बैंक की एंट्री जरूर कर देना बैंक की एंट्री में अमाउंट मत डालना मैं दिखा अच्छा सॉरी तो जून लिख देना जून यहाँ 5 जून कर देना इसको कितने बजे स्टार्ट तो मना किया हुआ कि सड़न ना हुआ रहे तो कुछ नहीं होती है चलो कल ले लेना उधर ही बैठना पड़ेगा उधर ही बैठना ठीक है ऑफिस में भी ऑफिस में भी तुम दुकान है इसका मतलब इसमें नहीं है कल आप हो सुबह 9:30 होंगे पक्का ओके यू हैव बेस सिटी वाला अकाउंट वाली जो है इसमें 25,000 आएंगे हां केवल 25,000 क्योंकि 25,000 में से 5,000 रुपए तो कैश मिल गया ना मेरे को तो 25,000 बचे मैं करूंगा मुझे नहीं पता तुम क्या बोलो पूछ क्या पूछना है ये बहुत 10% करना वाला है लास्ट वाली हाँ तो प्रियांश ने जनरल एंट्री पढ़ी है खूब क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे को कौन झूठ बोल रहा है कौन भूमिका अच्छा ये तुमसे बोला मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो कूपर था ये तो अभी कुछ बोला भी बोला था तो बहुत कुछ नहीं नहीं पढ़ता तो है ये सब क्वेश्चन पूछता लॉजिकली क्वेश्चन पूछता था अरुण की तरह नहीं होते 200 रुपए का लोन मिल जाएगा क्या मुझे ऐसी गुस्सा आई नहीं वो पूजा अरुण ने था 100 रुपए का लोन अरे भाई ये भयंकर मिट्टा करने यहाँ से अगर ऐसे उस पर पढ़ा रहा होता ना पहली एंट्री यही हुई है और तुम लोगों की दूसरी एंट्री भी आप लोग जानते हैं कोई बात नहीं ये ऊपर ये नीचे कर दिया थे कोई दिक्कत नहीं डेबिट वाली चीज ऊपर नीचे हो सकती है डेबिट क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट डेबिट हो सकती है पर डेबिट की क्रेडिट में क्रेडिट की डेबिट में नहीं आ सकती Thank you.
मेरा ये एंट्री भी सबकी सही हो गई, सही है। ये भी एंट्री ठीक होगी। अगर आपने 30,000 से एंट्री करी है तो गलत कर दिया है, 25,000 से एंट्री होगी क्योंकि बिल हमें 25,000 का मिला, क्योंकि 30,000 का सामान भेजा था, 5,000 तो कैश पे मिल गए। बाकी किसमें मिला है मुझे? बिल्स में। यहाँ तक एंट्री करा लो, ठीक है। यहाँ तक एंट्री कर ली बेटा भूपेश, समझ में आ रही है? भैया डेट 1 जून है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है बेटा आरुषि, ठीक है ठीक है। बच्चा सबको आ रहा है समझ में? या मैं बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ाता हूँ, किसी को भी समझ में आ जाए। अब इसको तो तुम समझ लो यार, और बहुत धीरे पढ़ाता हूँ। अब आती है तारीख। बेटा सुनो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोहित ने बिल डिस्काउंट करवा लिया। कौन सा बिल? जो सेम बिल जो मिला था, कौन सी डेट को? उसी दिन को जिस दिन मिला था। बिल कब मिला है मुझे? 5 जून को। 5 जून को ही डिस्काउंट करवा लिया, तो 1 जून। शांत शांत बालक, शांत शांत बालक, शांत। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल की कॉस्ट कितनी थी? मुझे आयरन मैन बनने दो थोड़ी देर के लिए। अब चेक करते हैं होगा कैसे ये यहाँ पे। तो जब भी बिल ऐसे होता है और परसेंटेज में दे दिया, तो लिखते हैं बिल रिसीवेबल का अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। बिल कितने का है? 25,000 का, डिस्काउंट निकालने के लिए। रेट कितने का दे रखा है? और बिल कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, तो 3/12। 2,500 डिवाइडेड बाय 3/4, 3/12, 1/4, 750 नहीं नहीं 625 करके भी नहीं देखा गया इतनी देर पे किसी पे भी। 625 कितना आ रहा है? 625 कितना आ रहा है? अबे यार 625 डिस्काउंट में 625 माइनस कर दिया, जो बचा वो कितना है? 25,000 में तो 625 माइनस कर दो, कितना आया? 300। समझ में आई कैसे होती है एंट्री? बहुत बढ़िया। अरे शांत, पिछले वाले में डिस्काउंट दे रखा था मैंने, इसमें डिस्काउंट निकालना है, निकालने के लिए दे रखा है। कितने परसेंट पे डिस्काउंट दिया मैंने? तो बिल्कुल डायरेक्ट निकालते, परसेंटेज नहीं यूज करते। ये फॉर्मूला लिख लेना, डिस्काउंट क्या ना? हाँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर के 3 दिन, तो 4 सितंबर को ये ड्यू होगा, तो 4 सितंबर बिल्स पेबल टू
कैश 25,000 25,000 किस इसका आंसर पूरा ठीक था, मतलब जितना भी बोला था मैंने उतना ठीक था नहीं दिखता। समझ में आ गया? टू कैश क्योंकि ड्रॉई ने पैसा दिया यानी शिवानी ने पैसा दिया, तो शिवानी के पास से पैसा कम हो गया और पैसा कम हो गया यानी कैश कम हो गया, कैश कम हो गया यानी करंट असेट कम हो गया, करंट असेट कम हो गया यानी असेट कम हो गया, और असेट कम होते हैं तो क्रेडिट, असेट कम होते हैं तो अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने बिल आपको बिल मिला 1 जुलाई को, 3 महीने का बिल था, आपने एक महीने तक तो बिल रखा अपने पास, फिर आपने डिस्काउंट कराया 10% पे एक महीने बाद, तो यहाँ पे जो 3/2 लिखा हुआ है वो 2/12 हो गया। बहुत बढ़िया, जितने महीने रह जाते हैं बिल को उतने ही महीने लिखते हैं, जितने महीने रह जाएंगे उतने महीने लिखेंगे। सपोज करो बिल था 4 महीने का, ड्रॉई को पहले महीने में जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे महीने में जरूरत पड़ी, दूसरे महीने में वो बैंक से क्या डिस्काउंट करने, तो यहाँ पे 4/12 की जगह पे क्या यूज होगा 3/12, और दूसरे महीने में करी तो 2/12, और दूसरे महीने में करी तो 2/12, और आखिरी महीने में करी तो 1/12। जितने महीने रह जाते हैं बिल्कुल मैच्योर होने में उतने दिन उतना वो करते हैं। समझ में आ गया दिस क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, हो गया तुम लोगों का? हाँ भैया। आज हाँ मैं दूसरी क्लास नहीं ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, मुझे कभी जाना है थोड़ा सा, यही पे एंड कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है।